नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी की राह में आपका दोस्त पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के बारे में बात करेंगे जो अभी चर्चा में भी है। डिपार्टमेंट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 की जबरन रिकवरी कर रहा है। आपको मेल आती है कि आपका 3B लेट था, ग्रॉस टैक्स पर ब्याज बनता है, आपने नेट पर दिया है। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट का रेफिक्स इंडस्ट्रीज में जजमेंट भी आया और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो ब्याज है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगना चाहिए और नेट पर लगना चाहिए। ब्याज का जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो है, इसका एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए और ये नेट पर होना चाहिए। उसके बावजूद डिपार्टमेंट मेल्स भेजकर रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर रहा है। सिर्फ मेल ही नहीं भेज रहा, बैंक अकाउंट्स अटैच कर रहा है और बैंक अकाउंट में से इंटरेस्ट के नाम का पैसा डेबिट कर रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सस्टेन करेगा जुडिशियल स्क्रूटनी को? क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है? इन सब बातों का, इन सब सवालों का जवाब आज के हम वीडियो में ढूंढेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि पहले अगर आपको कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं विदाउट इशूइंग दी शो कॉज नोटिस, वो बैड इन लॉ है। शुरुआत है 1990 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किए Audi Alteram Partem, this is the established jurisprudence in the field of law, कि जब तक आप सामने वाली पार्टी को सुनते नहीं है, उसको सुनवाई का मौका नहीं देते, उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते। ब्याज की रिकवरी आपके अकाउंट से जबरन बैंक अकाउंट से नहीं हो सकती। डाबर इंडिया लिमिटेड, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कैटेगोरिकली establish this fact that the principle of natural justice should be upheld. जीएसटी रिजीम में भी दो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, केरला हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के ये जजमेंट आए। एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूओआई, केरला हाई कोर्ट में ये जजमेंट आया। उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना पड़ेगा, उसके बिना आप कोई भी रिकवरी नहीं कर सकते। शो कॉज आपको करना होगा, आपको मौका देना होगा सामने वाले को अपनी सुनवाई करने का, अपनी सफाई में बात पेश करने का। दूसरा जजमेंट है गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड वर्सेस यूओआई झारखंड हाई कोर्ट का। कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी रिकवरी इस तरह से बिना शो कॉज के नहीं कर सकते, आपको सुनवाई का मौका देना होगा। यहां पर एक और बात उन्होंने कही कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में डिपार्टमेंट ने कहा गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड के केस में कि 75 सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में जो भी सेल्फ असेस टैक्स है उसकी रिकवरी डायरेक्ट सेक्शन 79 में की जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्शन 75-12 में सेल्फ असेस टैक्स के लिए भी आपको शो कॉज देना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर आपने ब्याज डिटरमाइन ही नहीं किया, क्वांटिफाई नहीं किया, आप रिकवर कैसे कर सकते हैं? मुझसे अपने आप क्वांटिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द आई ऑफ लॉ। गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स बट कैन नॉट यूज कॉर्सिव मेजर्स टू कलेक्ट दोज टैक्सेस। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, मेल्स आ रही हैं, पैसे डेबिट हो रहे हैं, ये बैड इन लॉ है, वॉयलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। जहां भी आपको ऐसा समस्या नजर आए, आप स्ट्रांगली इसको अपोज कीजिए, अपील फाइल कीजिए। आई एम क्वाइट स्ट्रांगली होपफुल कि आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। और अगर आप कोई भी बात मुझसे इसके बारे में करना चाहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।